ग्वालियर में करने हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए हमने। चोरी वाले होंगे तो पूरा चोरी पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर काफी लोगों की शिकायतें आती थी कि हमारे मोबाइल सेट गुम हो गए हैं, या तो खो जाते थे या कहीं पर रख कर वो भूल के आ जाते थे। तो इससे क्या था, उनके मोबाइल खो जाते थे और आजकल जैसा आप लोगों को पता है कि मोबाइल की कीमतें काफी हाई हैं, तो ऐसे में किसी का मोबाइल खो जाना उसके लिए एक बड़ा नुकसान रहता था। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पर मोबाइल सेल का गठन भी किया हुआ था, जो कि SOG के आगे अंडर में चल रहा था, जहाँ पर कि लोग अपनी कंप्लेंट दे सकते थे और वहाँ से रिकवरी करवा सकते थे। लेकिन इसका एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था। इसमें मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था हर एक थाने के कि जितने भी उनके मोबाइल खोए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वो SOG तक पहुंचा दे। तो उन्होंने जितनों के मोबाइल गुम हुए थे उनकी सूचनाएं SOG को दी गई, तो SOG द्वारा आज ये 55 मोबाइल सेट्स बरामद कर लिए गए हैं, जो कि जिन जिन के खोए थे उनको लौटा दिए जाएंगे। बेसिकली जनरली खोए हुए मोबाइल्स थे, इनमें कहीं केस पंजीकृत नहीं है। प्लस ये किसी के गुम हुए थे जो कि किसी ने दुकानदारों को बेच दिया और दुकानदारों ने फिर उसको सेकेंड हैंड सेट के रूप में किसी और को बेच दिया। तो कोई भी ऐसा चोर इसमें शामिल नहीं था, किसी चोर के पास से ये बरामद नहीं हुए। जिनके पास से भी बरामद हुए उनसे पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा दुकान का बताया गया, तो दुकान से ये तस्दीक किया गया कि ये दुकानदार द्वारा खरीदे गए। लेकिन दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि कोई भी इस तरीके का अगर मोबाइल सेट लेकर आता है तो वो बजाय उसको खरीदने के एक बार हमको उसकी सूचना जरूर दें। देखिए लोगों से ये अपील है कि किसी का भी मोबाइल सेट खोता है तो यहाँ बहुउद्देश्य भवन में हमारे द्वारा मोबाइल सेट लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर खोला हुआ है, जो कि SOG के तत्वाधान में चल रहा है। तो यहाँ पर आकर बहुउद्देश्य भवन में आकर वो अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनके मोबाइल्स को हम बरामद कर सकें।